अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के हवाले से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द लाइंस विच रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वॉज गिवन बाय फैराडे। सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट किसने दिया? फैराडे ने दिया। द फील्ड ऑफ जो आपके पास सिमिलर चार्जेज हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, द लाइंस ऑफ सच इलेक्ट्रिक चार्जेस रिपेल ईच अदर। उन इलेक्ट्रिक लाइन्स एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। देयर एग्जिस्ट अ न्यूट्रल जोन। एक न्यूट्रल जोन एग्जिस्ट करता है जहाँ पर ई की वैल्यू क्या होती है? जीरो, विच इज़ नोन हैज फील्ड फ्री जोन, जिसको फील्ड फ्री जोन भी कहा जाता है, जहाँ पर ई की वैल्यू किस चीज़ के बराबर होती है? जीरो के बराबर होती है। उसी को उसको कहते हैं न्यूट्रल रीजन। फिर एक होता है ओपोजिट चार्ज। ओपोजिट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती हैं वो इस तरह से है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिस तरह से हैं कि ये प्लस क्यू चार्ज हैं तो ये आपके पास क्या होगा? माइनस क्यू चार्ज हैं। द चार्ज द लाइन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज द लाइन द इलेक्ट्रिक लाइन ओरिजिनेट फ्रॉम विच चार्ज एंड द सेम टर्मिनेट्स और नेगेटिव चार्ज। ये लाइन इसकी भी है और ये लाइन इसकी भी। यहाँ से देखिए इसके आउटवर्ड है और इसके लिए क्या है? इनवर्ड। कर्व क्यों चुकी है? बिकॉज बोथ अट्रैक्ट ईच अदर, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करें? क्यों अट्रैक्ट करें? क्योंकि दोनों कौन से चार्ज हैं? ऑपोजिट चार्जेस हैं। एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज टेंजेंट एट ईच पॉइंट। हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? टेंजेंट होता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्रॉस नहीं कर सकते हैं। इस सवाल का जवाब क्या है? कि बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द इलेक्ट्रिक फील्ड वुड हैव टू डायरेक्शंस, विच इज इम्पॉसिबल दैट अ सिंगल वेक्टर टू हैव टू डायरेक्शन। फॉर सिंगल वेक्टर ये बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉसिबल है कि उस सिंगल वेक्टर कितने डायरेक्शन हो? दो डायरेक्शन। एक वेक्टर के एक ही टाइम में कितने डायरेक्शन हो सकते हैं? एट अ टाइम एक डायरेक्शन हो सकता है, दो डायरेक्शन नहीं हो सकते हैं। इसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का टॉपिक यहाँ तक खत्म। इसका कंसेप्ट सबसे पहले किसने दिया था? फैराडे ने। इस बात को याद रखो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के हवाले से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आप लोग जानते हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैं वो चीज़ें ज़्यादा डिस्कस कर रहा हूँ जो आपके सिलेबस में है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप लोग जानते हैं कि फ्लक्स इज डिफाइंड हैज द ई द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई ए विच इज इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ थीटा, जो किस चीज़ के बराबर है? ई ए कॉज ऑफ थीटा के बराबर है। यहाँ पे व्हाट इज ई? ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ए इज द एरिया। कौन सा एरिया? वो एरिया जहाँ से क्या गुजर रहे हों, लाइन्स गुजर रहे हों, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? ए का नाम देते हैं। व्हाट इज ई? ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके इलेक्ट्रिक फील्ड? उस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड। किस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड? जो आपको गिवन है। कौन सा चार्ज है? कौन सा चार्ज गिवन है आपको? कोई भी सोर्स चार्ज आपको गिवन हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यहां से अगर आप देखें तो फ्लक्स का जो यूनिट आता है, हम जानते हैं कि ई की ई का जो यूनिट है वो न्यूटन पर कूलम है। ए का यूनिट मीटर स्क्वायर है। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम आपके पास बराबर होता है किस चीज के? वेबर के बराबर होता है। ऐसा ही है? ऐसा ही है ना? लेको सोचो जरा। अच्छा फिर तो सही है, मसला नहीं। अच्छा चलिए, ऐसे कोई इशू नहीं है। तो ये आपके पास क्या है? ये आपके पास ये है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये इसका मैंने आपको यूनिट बता दिया। फिर इसके केसेस ये, अगर एंगल जीरो हो, किसके दरमियान एंगल जीरो? व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड यूनिट एरिया, वेक्टर एरिया। पता समझ क्यों नहीं आ रही? तो अगर उस एरिया के वो उस एरिया का जो नॉर्मल होता है उसके दरमियान और ई के दरमियान अगर एंगल जीरो के बराबर है, देन द फील्ड इज देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मैक्सिमम, मींस मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस पास थ्रू दैट एरिया। एंड इफ द नॉर्मल ऑफ द एरिया एंड द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर ओपोजिट टू ईच अदर, मतलब 180 डिग्री का जो है वो एंगल बनाए, देन नेगेटिव मैक्सिमम होता है, जिसको आप माइनस यहाँ पे कॉस 180 लगाओगे तो माइनस वन आएगा, माइनस ई ए उसकी वैल्यू आएगी। और इसी तरह से अगर एंगल 90 हो नॉर्मल के दरमियान और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान, तो उस वक्त आपके पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा दैट विल बी जीरो, मींस नो लाइंस विल पास थ्रू दैट एरिया, उस एरिया से कोई लाइंस जो है वो पास नहीं होंगे। सो द पैसेज ऑफ लाइंस, द पैसेज ऑफ लाइंस, कौन से लाइंस? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। किस से? थ्रू एन एरिया इज नोन हैज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सब कुछ आपको बता दिया, यहाँ तक फ्लक्स का टॉपिक खत्म हुआ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम मेरे पास किस तरह से हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दो। अगर आपको कोई क्यूब गिवन है, मुझे यहाँ पे बताइए, प्रॉब्लम सॉल्व करवा लो भाई, आपको कोई क्यूब गिवन है या कुछ भी गिवन है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, बताओ टोटल फ्लक्स किस चीज़ के बराबर होगा?
मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे समझ आ रहा है? अच्छा चले सही, छोड़ो। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, समझ आ रहे किनारे? यहाँ पर फ्लक्स क्या होगा? अज इन इन बातों को, इन बातों को छोड़े चले। हाँ क्यों जीरो होगा? चले वो तो सही है, चले सही है। फ्लक्स आप लोग जानते हैं, फ्लक्स को अगर आप फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं चार्जेस की वजह से, एन नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से, सबसे पहले उसको कैलकुलेट किया था किसने? गॉस ने कैलकुलेट किया था। उस लॉ को हम लोग क्या नाम देते हैं? गॉस लॉ का नाम देते हैं। गॉस ने यह कहा था कि भाई इस तरह से होता है कि आपके पास चार्ज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, याद है ये चीज़? थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू द चार्जेस, बल्कि यहाँ पे कैपिटल क्यू था, टोटल चार्ज विच इज इनक्लोज्ड इन दैट क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाय व्हाट? एप्सिलॉन नॉट, वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज था। ये गॉस लॉ इसको कहा जाता है। एंड दिस वॉज इक्वल टू ई ए, और ये किस चीज़ के बराबर था? ई ए के बराबर था। वाई? बिकॉज फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए, क्योंकि वो किस चीज़ के बराबर था? ई ए के बराबर। यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल सकते हैं अगर आपको ये चीज़ें गिवन हो। देखो चार्ज गिवन हो एप्सिलॉन नॉट के, तो फिक्स है। ए अगर आपको गिवन हो तो आप क्या निकाल सकते हैं? ई निकाल सकते हैं इस फार्मूले के जरिए। सही है, कोई इशू तो नहीं इसमें। तो गॉस लॉ में क्या बताता है? एन नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताता है कि फ्लक्स कितना होगा। वो अगर आपको याद था, गॉसियन सरफेस हम गॉसियन स्फीयर वगैरह हम ड्रा करते थे, फिर हर एक स्फीयर की वजह से हम फ्लक्स कैलकुलेट करते थे, फिर सब को जो है वो सम आउट करते थे, सम करने के बाद फिर उसकी वैल्यू आती थी और वो इस चीज़ के बराबर हो जाती थी। इसको हम लोगों ने फिर नाम दिया था कि टोटल फ्लक्स जो है वो इस तरह से उसका फार्मूला हम डेराइव कर सकते हैं। और इस फार्मूले से दिखाई दे रहा है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप, वो शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास इस तरह का कोई शेप है, यहाँ पर कोई चार्ज प्लस क्यू रखा है, कोई ऐसा शेप है, और कोई यहाँ पर मैंने स्फीयर भी किया, तो सब में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या होगा? इक्वल होगा। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ये बात समझ आई कि नहीं? अब इस चीज़ को याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर यहाँ पे ई जीरो है तो फिर भी आपके पास क्या जीरो होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो सकता है? यहाँ तक तो कोई इशू वगैरह तो नहीं है। तो ये चंद बातें, फिर हम लोगों ने गॉस लॉ के एप्लीकेशन पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू होलो चार्ज स्फीयर वगैरह, इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर गॉस लॉ के एप्लीकेशन से हम क्या मालूम कर सकते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड को मालूम कर सकते थे किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए से। तो फिर हमने वो बाकायदा कैलकुलेट भी की, जिस तरह से मैंने आपको अभी बता दिया। अपोजिट चार्ज प्लेट्स हो तो वहाँ पर भी गॉसियन सरफेस को ड्रा कर सकते हैं दो प्लेट्स के दरमियान। अगर इनफाइनाइट शीट है तो उसके ऊपर भी आप एक सिलेंड्रिकल जो है वो गॉसियन सरफेस चूज़ कर सकते हैं, जिसका एक स्फेरिकल फेस होता है और एक आपके पास सर्कुलर फेस होता है। स्फेरिकल फेस होता है जिस तरह से, स्फेरिकल फेस है और ये कौन सा फेस है? तो ये आप शीट के लिए फिर गॉसियन सरफेस यूज कर सकते हैं। दैट इज हाउ द गॉस लॉ गेट्स कंप्लीटेड। एंड वी हैव टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक अबाउट द एमडीकेट सिलेबस, दैट इज अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये पॉइंट समझ आया जो मैंने बता दी? जल्दी जल्दी ये क्यों बताएं? ताकि आपको रिविजन हो जाए, फिर आप ये नहीं कि सर जान छोड़ा रहा। तो आपके लिए मैंने रिविजन करवा दी, लेकिन ये चीज़ें आपके लिए इतनी ज़्यादा करामत भी नहीं है। क्यों? ये आपके टेस्ट से रिलेटेड चीज़ें नहीं। लेकिन मैंने क्यों बताया ये मुझे पता नहीं, बस मैंने मुझे अभी जेन में आ गया, मैंने कहा चले बता दे, थोड़ा टाइम ज़्यादा गुजर जाए। तो खुशी तो नहीं इसमें? नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? ये असल टॉपिक है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पोटेंशियल डिफरेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा वी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ से? कंसिडर वी हैव, सुने सारे सुने, क्यों आप लोग नहीं सुन रहे? पॉजिटिव चार्ज क्यूब है। लेट्स कंसिडर इफ वी चूज टू पॉइंट्स, अगर हम दो पॉइंट्स चूज करें इन दिस फील्ड, कहाँ पर लव्स क्या यूज करो? इन द फील्ड, call this point A and call this point B. Consider a charge Q, unit positive charge, is moved. उसको मैंने मूव करवाया यूनिट पॉजिटिव चार्ज को फ्रॉम बी पॉइंट टू ए पॉइंट विद यूनिफॉर्म विलॉसिटी। किस विलॉसिटी के साथ? क्या मतलब है? एक्सलरेशन इक्वल्स टू जीरो। Consider a unit positive charge is moved from B to A with, बोलो बच्चो, uniform velocity. Then the potential difference, as we know, is defined as, potential difference को हम define करते हैं, the work done
on the unit positive charge from B point to, देखो इस तरह से मैं लिख रहा हूँ, work done on unit positive charge Q naught, किस कहाँ से कहाँ तक, B point to A point, B से कहाँ तक, A point तक, इसमें कोई इशू तो नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से समझो। अब सवाल ये है, वर्क डन अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम इज ऑलवेज इक्वल टू द चेंज इन एनर्जी दैट कैन बी काइनेटिक और दैट कैन बी, माय क्वेश्चन इज, मैं यहाँ पे वर्क डन की जगह पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल लगाओ या चेंज इन काइनेटिक लगाओ, रीजन भी साथ में दोगे क्यों लगा रहा हूँ, क्यों काइनेटिक नहीं लगा, वेरी गुड शाबाश। इस बात को जरा देख लें, हमने वर्क डन, वर्क डन मैंने अभी आपसे कहा कि द चार्ज इज मूव्ड, बोलो, तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी की कंट्रीब्यूशन नहीं आएगी। पॉइंट समझ आ रहे कि नहीं आ रहा है? इसी वजह से वर्क एनर्जी थ्योरम के मुताबिक आपने वर्क को तो चेंज इन एनर्जी के बराबर रखना है, तो जब काइनेटिक एनर्जी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा तो कौन करेगा, बोलो, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट करेगी। तो कॉन्फिग्रेशन ऑफ चार्ज की वजह से यहां पर कौन कॉन्ट्रीब्यूट करता है, लेकिन शर्त अगर जीरो नहीं तो फिर काइनेटिक, फिर काइनेटिक हो सकता है। आगे बात समझ, कोई मसला तो नहीं, अच्छा चले सही है। तो जरा क्या करते हैं, हम लिखते हैं कि चेंज इन वी इक्वल्स टू वर्क डन की जगह चेंज इन यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, कितनी एनर्जी जो है वो दरकार होती है, सो यू कैन फाइंड आउट दैट एनर्जी बाय शिफ्टिंग क्यू नॉट टुवर्ड्स दिस साइड, डेल्टा वी क्यू नॉट मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आता है, चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। इसमें कोई सवाल तो नहीं है। नेक्स्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक टॉपिक में मैं यहाँ से थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। If a charge is moved, अगर चार्ज को मूव करवाएं through a potential difference of 1 volt, अगर चार्ज को हम मूव करवाएं कितने potential difference है, बोलो यार, 1 volt से, 1 volt। अच्छा यहाँ से तो यूनिट आप निकाल सकते हैं, मेरे ख्याल मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है, वर्क यूनिट जोल है, क्यू का कूलम है, जोल पर कूलम किसके बराबर है, वोल्ट के बराबर है। सही बात समझ में आई कि नहीं, ये छोटे छोटे पॉइंट्स मैं यहाँ पे नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल। लेट्स कंसिडर अ चार्ज इज मूव्ड, एक चार्ज को हमने मूव करवाया, मैंने कहा इज मूव्ड, ये नहीं कहा कि यूनिफॉर्म इलास्टिक, एक चार्ज को मूव करवाया कितने वोल्ट, 1 वोल्ट से, इसमें कोई मसला तो नहीं है। नाउ माई क्वेश्चन इज, वट विल बी द एनर्जी रिक्वायर्ड, या हाउ मच एनर्जी विल बी गेन्ड बाई द चार्ज, कंसिडर द चार्ज बी द इलेक्ट्रॉन, कंसिडर करो कि वो चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन है। यानी क्या मतलब, मैंने इलेक्ट्रॉन को यहाँ से मूव करवाया, क्या करवाया, बोलो दोबारा क्या कहा मैंने, इलेक्ट्रॉन इज मूव्ड या प्रोटोन इज मूव्ड, हमारी बात समझ में आ रही, इलेक्ट्रॉन इज मूव्ड या through a potential difference of 1 volt, what will be the gain in energy, energy mein gain kitna hoga, acha chale dekhte hain kya kis tarah se hota hai, delta v ki jagah kya lagayenge bachcho, batao, 1 lagayenge, 1 volt lagayenge, multiply by q which is equal to electron, kis cheez ke barabar hai, 10 power minus 19 coulomb na leko, जोल कैसे आएगा, अच्छा आप लोग भी वही कह रहे थे, वोल्ट मल्टीप्लाई बाय कूलम, वोल्ट मल्टीप्लाई बाय कूलम इज इक्वल टू जोल, वोल्ट मल्टीप्लाई बाय कूलम इज इक्वल टू जोल, सो 1.6 10 पावर माइनस 19 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय कूलम इक्वल्स टू जोल, इसमें कोई मसला तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं बच्चों, दिस इज डिफाइंड हैज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको क्या डिफाइन करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिफाइन किया जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 19 जोल। अगर कन्वर्जन आपको गिवन था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आप जा रहे थे किस चीज़ में,
जूल में, तब आपने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, ये वाला यूज़ करना है, क्लियर, मैं इधर लिख रहा हूँ। तब आपने यूज़ करना है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल। ये किस चीज़ के लिए है, कन्वर्जन के लिए है, ये बात याद होनी चाहिए आपको। लेकिन अगर आपके पास जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप जाने की कोशिश कर रहे थे, तो जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे जाओगे, ये चीज़ इधर मल्टीप्लाई इस तरफ क्या हो जाएगा, 1 / 1.6 इज इक्वल टू 0.625। पॉइंट को इधर उधर शिफ्ट करें तो आपके पास आंसर आएगा 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबको याद है माशाल्लाह, 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। यारी बात समझ में कि नहीं आ रही, वेरी गुड, शाबाश, यहाँ तक ये पॉइंट ख़त्म हुआ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे ये हैं, आया प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इधर प्रोटोन मूव करवाऊँ तो कौन सी एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन मूव करवाऊँ तो कौन सी एनर्जी होगी, समझ आ रहा है आप लोगों को, वेरी गुड, तो बताओ इसका आंसर। अच्छा सुनो, इस बात को सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कह रहा हूँ। अगर इधर चार्ज पॉजिटिव है, देन द वर्क इज डन अगेंस्ट द फील्ड। देखो फील्ड इस तरफ है ना, अब गौर के साथ सुनो, पॉजिटिव चार्ज है, मतलब वो है किसको, प्रोटॉन है, जब उसको मूव करवाएंगे पॉजिटिव चार्ज को, तो उस पर वर्क डन आप कर सकते हैं, आपका मतलब बैटरी, बैटरी की बात हो रही, जिस तरह से देखो मैंने कहा कि ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये चीज़ है, सॉरी 1 वोल्ट जिसे हम लोगों ने नाम दिया था। तो मैं ये कह रहा था कि अगर इधर पॉजिटिव को मूव करवाओगे, किसको मूव करवाओगे, तो फिर हमें काम नहीं करना पड़ेगा, सॉरी फिर हमें काम करना पड़ेगा अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें का मतलब बैटरी वगैरह कोई सोर्स एक्सटर्नल यूज़ करेंगे। लेकिन अगर इधर नेगेटिव चार्ज लोगे तब उस पर कौन काम करेगा, फील्ड काम करेगा, फील्ड, उसको फील्ड एक्सेलरेट, गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ, तब उसको फील्ड एक्सेलरेट करवाएगा। वेल डन, जब उसको, मैंने खुद लफ्ज आपको बता भी रहा हूँ, जब उसको फील्ड एक्सेलरेट करवाएगा तो फिर उसकी कौन सी एनर्जी होगी। इसी वजह से तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब डिफाइन करते थे, चूंकि इधर इलेक्ट्रॉन आया है, हम क्या कहते थे, द काइनेटिक एनर्जी गेंड, डेफिनेशन को याद करो थोड़ा, हम लिखते थे द काइनेटिक एनर्जी गेंड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन 1 वोल्ट इज अप्लाइड। क्या आपने कभी सोचा था उस लफ्ज पे कि वो गेन इन काइनेटिक एनर्जी क्यों कहा था, उसकी वजह ये कि फील्ड उसको एक्सेलरेट करवा रहा था, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किस वक्त था, जब उस वक्त था जब हम उसको यूनिफॉर्म इलास्टिक के साथ मूव करवा रहे। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डेफिनेशन क्या है कि द गेन इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी क्यों आया, क्योंकि फील्ड ने उसको एक्सेलरेट किया। अरे बात समझ के नहीं आ रही, तो इसी वजह से क्या है, द गेन इन काइनेटिक एनर्जी व्हेन 1 वोल्ट इज अप्लाइड देन सच एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर एग्जाम के अंदर आए इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, सिंपल, इलेक्ट्रॉन किसका यूनिट है, एनर्जी का यूनिट, इस तरह का कोई सवाल नहीं है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन एनर्जी का यूनिट, कोई इशू तो नहीं इसमें, समझ आएगा ना सबको। इसी वजह से जो आपके पास एटॉमिक लेवल पे यूनिट यूज होता है दैट इज सम हाउ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो क्या इस्तेमाल होता है, इसी वजह से उमूमन कन्वर्जन में आप जूल से किसकी तरफ जाते हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो फिर उसके लिए ये दो फैक्टर्स आपने याद रखे। ये सवाल आया था किस चीज़ में, मेरे टेस्ट में, अच्छा हाँ, तो वो बिल्कुल उसका आंसर यही चीज़ है ना कि हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त फिर क्या है कि द चार्ज शुड बी एक्सेलरेटेड एंड हाउ दैट कैन बी एक्सेलरेटेड दैट इज नेसेसरी दैट वी शुड चेंज द साइन ऑफ द चार्ज। अच्छा चले, आपको समझ आया ना जो आपने सवाल किया, नहीं समझ बच्चे, वेरी वेरी गुड, शाबाश। अच्छा थोड़ा सा आगे चलते हैं, टॉपिक की तरफ आते हैं, हमारे पास यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ आया
एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नाम आपने सुना है, नाम सुना एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या चले सिंपल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नाम सबने सुना है, नहीं सुने? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दो चीजें होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब इस चीज को याद रखो। नाउ कंसिडर, हमने कहा कि देयर इज अ चार्ज, बट नाउ द सिचुएशन इज कंप्लीटली डिफरेंट। हाउ? हियर इज अ पॉइंट ए। इन द प्रीवियस सिचुएशन अ चार्ज वॉज ब्रॉट फ्रॉम पॉइंट बी टू ए, बट नाउ इफ अ चार्ज इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की जगह कहते हैं जहां पे ई जीरो के बराबर हो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगर हम कोई चार्ज लिया है इन्फिनिटी से किस पॉइंट तक, ए तक, यानी वर्क डन करें, किस पे वर्क डन करें, चार्ज पे, कहां से कहां तक, इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विच इज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन दैट इज डिफाइंड एज, बोलो भाई, चार्ज के ऊपर वर्क करे, सुनिए कि आप समझे किस चीज के ऊपर वर्क करे, चार्ज के ऊपर वर्क करे, देन दैट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसको फिर हम लोग क्या नाम देते हैं, एब्सोल्यूट। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर फील्ड से जो है वो बाहर होता है चार्ज, फिर उसको हम लोग लाते हैं, समझ आ रहा है, रूट के चला जाता है, फिर हम उसको दोबारा मना के ले आते हैं। समझ तो लाजमी आएगी, इसी बात कही है। तो ये आपके पास क्या है, दिस इज नोन हैज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में मेन डिफरेंस क्या है? इधर देखो, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड व्हेन वी आर इनसाइड द फील्ड, इन द फील्ड, बट द एब्सोल्यूट पोटेंशियल इज डिफाइंड व्हेन वी आर टॉकिंग आउट ऑफ द फील्ड। ये आउट ऑफ द फील्ड के लिए फिर ये होता है, लेकिन इन टू द फील्ड के लिए फिर वो होता है। आपका वो मसला मेरा है, आपका मसला ये कि इसको सीख लो, इसमें कोई थैंक यू, तो इसमें कोई इशू वगैरह तो नहीं आ रहा है। तो इस बात को याद रखना है कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल में क्या फर्क है और पोटेंशियल डिफरेंस में जो है क्या जो है डिफरेंस है। यहां तक कोई सवाल है किसी का तो पूछ लें। अच्छा, यहां से आप यूनिट भी निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, क्या यूनिट है इसका? वही वाला, कौन सा वाला? जूल अपॉन कूलम, विच इज इक्वल टू वोल्ट, जो किस चीज के बराबर है, वोल्ट के बराबर है। सिंपल, दोनों का यूनिट क्या होता है, सेम होता है। तो इसी वजह से कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन द टू पॉइंट्स विच आर इन द फील्ड, बट दिस इज एट वन पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट पर होता है, कहां पर? एक पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट पर। याद है मैं आपसे कह था इस तरह से कभी कभार, ये बातें जो मैं कह रहा हूँ आपको समझ तो आ रही है? वेरी गुड। जब चार्ज पे फील्ड वर्क करेगा, मैं दोबारा से कह रहा हूँ, जब चार्ज पे फील्ड खुद वर्क करेगा तब उसकी कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक होगी। और अगर चार्ज यूनिफॉर्म इलास्टिक के साथ मूव करें, मूव करवा दिया जाए, तब उसके ऊपर उसकी जो एनर्जी उसे क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्लियर? चेंज इन पोटेंशियल। नेक्स्ट हमारे पास, या तो किसी को कोई सवाल नहीं, मैं आगे चाहता हूं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हैज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये चले एक अच्छा सा जो है वो करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। चलिए इसको आप लोग लिख लें, या ये तो ये करें हम लोग, या तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हैज़ अ पोटेंशियल ग्रेडियंट कर, एक ही चीज़। इसको पहले लिखो, ये तो आसान एक फार्मूला है, बस समझ आ जाएगा। पूछो बच्चे जी। अच्छा, एक बार जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट नहीं है, दैट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, सही है, इसको याद रखें। वेबर जो आपके पास यूनिट है, ये किस चीज़ का यूनिट है? ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट नहीं है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट। ये मिर्ज़ा खान ने जो है हमें गुमराह कर दिया, हमें गुमराह नहीं होना चाहिए, लेकिन हम उसकी बातों में आ गए क्योंकि उस वक्त उसकी लाल जम रखना चाहते थे, कैसे ना हो कि बेचारा फिर बाद में परेशान हो जाए कि सब सब की सुनते हैं, हमारे फ्रंट वालों की सुनते हैं, हमें नहीं सुनते हैं,
पता नहीं ये कौन से पता नहीं वो मतलब आप हमारे मुल्क की तरह तो कुछ नहीं कर रहे हैं कि वो लोग फर्स्ट होते। अच्छा खैर ये तो बात की बात, इसमें कोई मसला वगैरह तो नहीं।